हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जिसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे। तो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले हमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST देना है, उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET देना है, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम देना है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट डिटेल्स हमें देना है यानी मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर हम फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात करें तो सबसे पहले दौड़ की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रेस इन 24 मिनट्स, यानी मेल कैंडिडेट्स को 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 24 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1.6 किलोमीटर रनिंग इन 8.30 सेकेंड्स, यानी फीमेल कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। अगर हम टाइम की बात करें तो 8.30 सेकंड्स टाइम दिया जाएगा। अगर हम लद्दाख रीजन वाले कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.30 सेकंड्स, और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 800 मीटर रनिंग इन 4 मिनट्स, यानी 800 मीटर की दौड़ लगानी है, 4 मिनट टाइम दिया जाएगा। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल्स चेक करें तो सबसे पहले अगर हम डिपार्टमेंट नेम की बात करें यानी ऑर्गेनाइजेशन नेम की, तो असम राइफल्स यानी असम राइफल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें टोटल पोस्ट की, तो 1200 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम पोस्ट नेम की बात करें तो हमारा पोस्ट नेम ट्रेडमैन एंड टेक्निकल के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम जॉब टाइप की बात करें तो हमारा जॉब टाइप गवर्नमेंट डिफेंस जॉब होने वाली है। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो हमारा सैलरी 21,700 रुपये से लेकर 69,100 तक पर मंथ रखा गया है। जॉब लोकेशन की बात करें तो हमारा जॉब लोकेशन इंडिया रखा गया है, यानी ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो हमारा लास्ट डेट टू अप्लाई अभी अवेलेबल सून पे रखा गया है। मैं वीडियो में आपको आगे बताऊँगा कि लास्ट डेट कब तक रखी जाएगी, तो एंड तक वीडियो को वॉच करना ना भूलें। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 पोस्ट नेम की बात करें तो टोटल पोस्ट 1200 प्लस पदों के लिए भर्ती देखने को मिल जाएगी। पोस्ट नेम टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो हमारा एज काउंट की अगर हम बात करें तो 2023 से एज काउंट किया जाएगा। अगर हम मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 23 साल तक रखा गया है, यानी 18 साल से लेकर 23 साल तक के सभी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग। अगर हम OBC कैंडिडेट्स की बात करें तो 3 साल और SC ST कैंडिडेट्स की बात करें तो 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं पास की है तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम हाइट की बात करें तो क्लर्क के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर हम अदर पोस्ट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अगर हम नॉर्थ स्टेट कैंडिडेट्स की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। अगर हम मेडिकल टेस्ट डिटेल्स की बात करें तो मेडिकल टेस्ट डिटेल कैंडिडेट शुड बी मेडिकली एंड मेंटली फिट होनी चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर हम असम राइफल न्यू रिक्रूटमेंट 2023 लास्ट डेट टू अप्लाई की बात करें तो लास्ट डेट टू अप्लाई आपको दिसंबर के लास्ट महीने में देखने को मिल जाएगी, यानी दिसंबर के फर्स्ट महीने से लेकर लास्ट महीने तक आवेदन शुरू कर दी जाएगी और लास्ट डेट आपको दिसंबर तक देखने को मिल जाएगी। अगर हम रैली स्टार्टेड डेट की बात करें तो हमारा रैली स्टार्टेड डेट अभी अवेलेबल सून पे रखा गया है। अगर हम इम्पॉर्टेंट लिंक की बात करें तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप ऑफिशियल साइट पर जा पाएंगे। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वाले लिंक पे विजिट करके आप डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे जब इसकी लिंक एक्टिव कर दी जाएगी।
अगर आप भी असम राइफल के फॉर्म के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करा दिया है, जहां जाकर आप इस फॉर्म की नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। और भी इसकी कोई नई जानकारी आती है तो मैं इसकी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।